आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम जानेंगे फोटोशॉप के लिक्विफाई फिल्टर के उपयोग के बारे में कि किस प्रकार से हम इस फिल्टर का उपयोग अपने इमेज एडिटिंग के दौरान कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें कोई भी एक इमेज ओपन कर लेनी है, जैसे हमने ये एक इमेज ओपन कर रखी है। आप कंट्रोल प्लस जे बटन प्रेस करके इसकी एक कॉपी बना लेनी है ताकि हम जो भी चेंजेज करें वो नॉन डिस्ट्रक्टिव रहे। इसके बाद में हमें फिल्टर मेन्यू में जाके लिक्विफाई फिल्टर को ओपन कर देना है। तो इस प्रकार से ये लिक्विफाई फिल्टर की विंडो है। तो यहाँ पे इस साइड में कुछ टूल्स बने हुए हैं और इस साइड में इससे संबंधित प्रॉपर्टीज या सेटिंग्स बनी हुई है। यहाँ पे आप जैसे ब्रश की साइज को यहाँ से बड़ा कर सकते हैं, डेस्टिनी यहाँ से सेट कर सकते हैं और प्रेशर यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे इसके अलावा आप ब्रश की साइज को कीबोर्ड के लेफ्ट और राइट ब्रैकेट कीज की सहायता से भी छोटा या बड़ा कर सकते हैं इस प्रकार से। इसके बाद में ये जो फर्स्ट टूल है फॉरवर्ड रेप टूल, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और इस प्रकार से पुश कर देंगे। इस प्रकार से हम इस टूल को उपयोग में ले सकते हैं। इसके बाद में हम ओके प्रेस कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये जो इमेज है ये लिक्विफाई फिल्टर के बिना है और ये लिक्विफाई फिल्टर अप्लाई करने के बाद की इमेज है। अब हम जानते हैं कि लिक्विफाई फिल्टर को हम किसी स्पेसिफिक टारगेटेड एरिया में ही किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम ये एक दूसरी इमेज लेते हैं, इसकी एक कॉपी बनाते हैं कंट्रोल प्लस जे से और फिर से हम लिक्विफाई फिल्टर को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे इधर जो टूल्स बने हुए हैं इसमें यहाँ पे हम देख पाते हैं फ्रीज मास्क टूल। फ्रीज मास्क टूल को हम सेलेक्ट करते हैं और इसकी साइज आप चाहे तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं या लेफ्ट राइट ब्रैकेट कीज की सहायता से आप इसकी डेंसिटी को हार्ड करके इस प्रकार से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये एरिया सेलेक्ट कर दिया है इस प्रकार से। अब हमें जो भी ये जो चेंजेस करने हैं वो इस एरिया के अंदर ही रहेंगे, मतलब इससे आगे नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे हम फॉरवर्ड रैप टूल को सेलेक्ट करते हैं और ब्रश की साइज को थोड़ा बढ़ा लेते हैं। इस प्रकार से हम इस साइड में इसे पुश कर देते हैं। इस प्रकार से और ये जो फ्रीज मास्क के नीचे का टूल है था मास्क टूल, इसकी सहायता से हम इसको वापस डी सेलेक्ट करके इस प्रकार से देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम ये जो फ्रीज मास्क टूल है इसकी सहायता से हम बिल्कुल शार्प एजेस रख सकते हैं अपने एडिटिंग के दौरान। इस प्रकार से आप डिफरेंस देख सकते हैं, ये लिक्विफाई फिल्टर के बिना और ये लिक्विफाई फिल्टर के बाद। अब हम जानते हैं कि ये जो लिक्विफाई फिल्टर है इसको हम फेस रिटच में किस प्रकार से काम में ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये एक इमेज ओपन कर रखी है, इसकी कॉपी बना रखी है और अब हम फिल्टर ऑन करते हैं और लिक्विफाई फिल्टर को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे ये जो टूल्स बने हुए हैं इनमें नीचे से तीसरा टूल है फेस टूल, इसको हम जैसे ही सेलेक्ट करते हैं तो हमें ये फेस को रिटच करने के ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई देने लगते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो नोज है इसको हम इस प्रकार से नीचे ड्रैग कर सकते हैं या ऊपर भी ड्रैग कर सकते हैं, इस प्रकार से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। लिप्स में भी हमें सेम ऑप्शन दिखाई देता है, हम छोटे या बड़े कर सकते हैं। ये जो फेस है पूरा फेस इसको हम थोड़ा इस प्रकार से स्लिम भी कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे।
आइज है, आइज को भी हम इस प्रकार से रिटच कर सकते हैं, छोटी या बड़ी कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज में हमें आई से संबंधित ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देता है। जैसे इस प्रकार से हम आई को चेंज कर सकते हैं, आई की हाइट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, विड्थ यहाँ से सेट कर सकते हैं, टिल्ट यहाँ से सेट कर सकते हैं, और यहाँ से आई की साइज को सेट कर सकते हैं। नोज है, ये नोज की हाइट को हम इस प्रकार से अप कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं, और नोज की विड्थ को हम इससे सेट कर सकते हैं। माउथ में आते हैं, माउथ में ऑप्शन में स्माइल, इस प्रकार से हम स्माइल बना सकते हैं, अपर लिप को इससे एडजस्ट कर सकते हैं, लोअर लिप यहाँ से हम एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे माउथ विड्थ और ये माउथ की हाइट। तो इस प्रकार से हम पूरे चेहरे को रिटच कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो ब्लॉट टूल है, ब्लॉट टूल से हम किसी स्पेसिफिक पार्ट को बड़ा या छोटा कर बड़ा कर सकते हैं। छोटा करने के लिए हमें पकड़ टूल काम में लेना पड़ेगा। ब्लॉट टूल को हम जैसे यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और इसके बाद में हम इसको प्रेस करते हैं और क्लिक करके होल्ड रखते हैं, तो इस प्रकार से ये जो एरिया है ये बड़ा होता जाएगा, ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। तो पकड़ टूल को हम सेलेक्ट करके वापस इसको छोटा कर सकते हैं, बस क्लिक करके आपको होल्ड में रखना है। ये ब्लॉट टूल बड़ा करने के काम आता है और पकड़ टूल है ये छोटा करने के काम आता है। और यहाँ पे जो ट्रेल क्लॉकवाइज टूल है, इससे हम इमेज के किसी पार्ट को रोटेट कर सकते हैं, जैसे सेम ही काम करेगा ये, बस इसको क्लिक करके होल्ड पे रखना है। जैसे ये हेयर है, ये रोटेट हो गए, और ये जो स्मूथ टूल है, ये स्मूथ टूल इसको वापस से नॉन क्लॉकवाइज में करने के काम आता है। और जूम टूल की सहायता से तो आप जूम कर सकते हैं, और एल्ट बटन प्रेस करके अगर आप इसे प्रेस करेंगे तो ये जूम आउट हो जाएगा, और हैंड टूल्स मूव करने के काम आता ही है। तो इस प्रकार से ये जो लिक्विफाई टूल है ये इमेज रिटचिंग के दौरान बहुत ही उपयोगी हो सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।